नेक्स्ट डेफिनेशन है इवन फंक्शन. अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ. कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हम एक्स को नेगेटिव एक्स के साथ रिप्लेस कर दें और फंक्शन सेम ही रहे, फिर हम कहते हैं ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है. जैसे एग्जांपल दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब देखें, और इस तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. अब इसमें एक्स को रिप्लेस किया गया है नेगेटिव एक्स के साथ, जब नेगेटिव एक्स का स्क्वायर लेंगे देन अगेन एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, दैट मीन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ नेगेटिव एक्स. तो ये फंक्शन जो है ये इवन फंक्शन है. बिल्कुल इसी तरह से f ऑफ cos ऑफ x है, अगर cos ऑफ x वाले में नेगेटिव x लगा दिया जाए तो f ऑफ नेगेटिव cos ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू cos ऑफ x. ये हमने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़े थे कि अगर साइन ऑफ नेगेटिव x हो तो वो नेगेटिव साइन ऑफ x बन जाता है, इसी तरह से tan ऑफ नेगेटिव x हो तो वो भी नेगेटिव tan ऑफ x बन जाता है. लेकिन cos जब नेगेटिव x हो तो ये पॉजिटिव cos ऑफ x के ही इक्वल होता है. इसमें भी देखें f ऑफ नेगेटिव x ऑफ f ऑफ x इक्वल है. तो ये जो फंक्शन जितने भी फंक्शन इस तरह के होंगे इन सब फंक्शन को हम इवन फंक्शंस कहेंगे. और ऑड फंक्शन है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. यानी हमने अगर रिप्लेस किया है एक्स को नेगेटिव एक्स के साथ और आंसर उसका नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, फिर हम कहेंगे ऐसे फंक्शन को कि ये ऑड फंक्शन है. फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, डोमेन की बात अभी हम करेंगे कि जितने भी डोमेन में नंबर्स हैं उन सब के लिए ये ट्रू हो. फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. अब देखें एक्स क्यूब में अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें नेगेटिव एक्स के साथ, तो जब नेगेटिव एक्स का क्यूब लेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा. यहाँ पर वैसे नेगेटिव मैंशन नहीं किया हुआ, बुक में मिस्टेक है, तो आप